चना दाल और कच्चे नारियल की चटनी बनाने के लिए मैंने रोस्टेड चना दाल मैंने 100 ग्राम लिया है। ये मार्केट में काफ़ी उपलब्ध हैं, ये मिल जाएंगी। यहाँ मैंने 7 से 8 पत्ते कड़ी पत्ते के लिए हैं, 3 से 3 हरी मिर्च है और 3 गार्लिक है। इसकी मात्रा आप अपने टेस्ट के अनुसार बढ़ा और घटा सकती हैं। यहाँ मैंने 100 ग्राम कच्ची नारियल ली है। अब इन सभी को आप मिक्सी में या सिलबट्टे पर डालकर आप पीस लें। तो यहाँ मैं हैंड मिक्सी में 3 सारी दालें को डाल दी हूँ, भुनी हुई रोस्टेड दाल, हरी मिर्च और लहसुन को डाल दिया और 6 से 7 कड़ी पत्ता को भी डाला मैंने, और करीब 100 ग्राम कच्चे नारियल है इसे भी मैं डाल ली। और इन सभी को पीसने के लिए मैंने 1/2 कटोरी पानी को डाला है और इसे आप पीस लें। चटनी कितनी गाढ़ी या मोटी रखनी है आप पर निर्भर करता है। तो और इसमें आप अपने स्वाद के अनुसार नमक मिला लें, और यदि आपकी पेस्ट थोड़ी कड़ी लग रही है तो बीच बीच में पानी ऐड करते हुए इसे पीस लें मिक्सी या सिलबट्टे पर। ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसे आप इडली, डोसा, उपमा, बड़ा, सभी प्रकार के छिलके के साथ आप खा सकती हैं। तो यहाँ हमारी चटनी का पीस गई है और इसे मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। इसमें छौंक लगाने के लिए आप सरसों का तेल या नारियल का तेल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसमें मैंने 1 चम्मच सरसों के सीड को डाला है और 6 से 7 कड़ी पत्ते डाले हैं। जब ये सरसों चटकने लगे तो 6 से 7 पत्ते मैंने कड़ी का डाला है और 1 हरी मिर्च, कटी हुई हरी मिर्च को भी डालकर इसे ब्राउन होने तक भून लें। जब यह ब्राउन हो जाए तो आप चटनी में इसकी तड़का लगा दें। यह रोस्टेड चना और नारियल की चटनी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो यहाँ मैंने तड़का लगा दिया और ये इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और आप किसी भी छिलके, डोसा, इडली के साथ आप खा सकती हैं, उपमा के साथ भी आप खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट है।